नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव लगभग नजदीक आ गया है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों में लगभग अपनी पहली प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और लिस्ट जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया है, ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों को चौंकाया है बल्कि अपनी पार्टी के कई सांसदों को वो चौंकाते हुए नजर आए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अभी फिलहाल 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसमें से कैराना की बात करें तो श्री प्रदीप कुमार यहां पर नजर आते हैं। मुजफ्फरनगर, जो जयंत चौधरी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे, इस सीट पर संजीव कुमार बालियान को उतारा जाता है। आपको यह बता दें कि इसके बाद नगीना सीट पर ओम प्रकाश की बात करें, ओम कुमार को उतारा गया है। यहां पर अमरोहा की बात करें तो श्री कंवर सिंह तंवर को उतारा गया है। मथुरा की बात करें, जो हेमा मालिनी का नाम कट रहा था, अब हेमा मालिनी को यहां पर सीट दे दी गई है। वहीं यहां पर वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उतरते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह यहां पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन इसमें कई और चेहरे भी हैं, जैसे कि बात करें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, केसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की, अभी तक इन लिस्ट में इन दोनों का नाम शामिल नहीं है। तो क्या ऐसे में इन दोनों का नाम कटने वाला है या दूसरी लिस्ट में शामिल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कयासों के बाजारों में ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का नाम कट सकता है। वरुण गांधी को पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी नहीं उतारेगी, लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या दूसरी लिस्ट में नाम शामिल होता हुआ नजर आएगा या पूरी तरह से दरकिनार कर दिए जाएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी। क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।